Welcome back to the 100 cases where you read less and learn more. In this video, we'll talk about the case of Harminder Kaur versus Harvinder Chaudhary. And if you want to check out this case in a descriptive manner, please check out the link in the description and make sure you subscribe to this channel because we come back to you twice every week. So, इस केस में क्या होता है कि पेटिशनर और एपेलेंट की शादी होती है, लेकिन कुछ ही दिनों बाद जो पेटिशनर होती है वाइफ, उनका मन नहीं होता है रिस्पोंडेंट यानी कि हस्बैंड के संग रहने का। तो वाइफ अपना घर छोड़ के अपने पुराने घर या फिर अपने मम्मी पापा के घर जाके रहने लगती हैं, और इस चीज से जो हस्बैंड होते हैं उनको दिक्कत होती है। तो फिर वो अपना केस लेके जाते हैं कोर्ट में, और वो कोर्ट में ये कहते हैं कि मेरी कॉन्जुगल राइट्स को रेस्टिट्यूट किया जाए, और कोर्ट वही करते हैं। तो कोर्ट ये ऑर्डर पास करता है कि जो वाइफ हैं उनको अपने हस्बैंड के संग रहना चाहिए, क्योंकि उनके पास भी कोई रीजनेबल एक्सप्लेनेशन नहीं है कि वो ऐसा क्यों कर रही हैं। उसके बाद वाइफ ये कहती हैं कि अगर ऐसा होगा तो फिर मेरी राइट टू लाइफ, मेरी राइट टू इक्वालिटी एंड मेरी राइट टू प्राइवेसी वायलेट होगा, जो कि मुझे राइट मिला है। तो इसीलिए वो जाती हैं दिल्ली हाई कोर्ट, वहाँ पर जाके ये प्ली फाइल करती हैं कि अगर ये ऑर्डर पास होगा तो फिर मेरे सारे राइट्स वायलेट होंगे, और इसीलिए ये सेक्शन 9 ऑफ HMA का है जो कि ये कॉन्जुगल राइट्स को रेस्टिट्यूट कर रहा है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो मेन सवाल आता है सेक्शन 9 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट पर। कोर्ट इस केस में ये कहता है हालांकि सेक्शन 9 ऑफ HMA एक्ट एक एक्सटेंड तक वायलेट करता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को, लेकिन जैसा कि इस केस में है वाइफ के पास कोई भी रीजनेबल एक्सप्लेनेशन नहीं है ऐसा करने की, तो इसीलिए इस केस में यहां पे कोई भी राइट्स का वायलेशन नहीं हो रहा है, और वो जो ऑर्डर है लोअर कोर्ट का वो ऑर्डर इनेक्ट किया जाए, और इसीलिए कोर्ट ने ये प्ली रिजेक्ट कर दी थी। तो इस केस में तो वाइफ की अपील एक्सेप्ट नहीं हुई, लेकिन क्या आप ये बता सकते हैं कि किस केस में वाइफ की अपील एक्सेप्ट हुई थी? अगर आपको पता है तो नीचे बताइए कमेंट सेक्शन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।